भूख लगी तो हुआ कि एक जगह कहीं अगर मिल जाए तो बैठ जाए तो देखो टूटा फूटा झोपड़ी टूटी टूटी झोपड़ी के वही लोग चल गए बोले कि भाई वही महात्मा है लोग बोले कि कुछ तो निकल के आया उसके तो चार बच्चे दोनों चारों बच्चे के बदल को सपना नहीं लगी हम हमारे कुछ है नहीं ऐसे भैंस है आप हम नहीं हो दूर होगा आपको खिला लें तो हम दूर होगा खिला लिया रात हो गई जी रहा है गुरु कैसा नलायक गुरु क्या कहता है कि मैं स्कूल के भगत आनंद रुक गया था कि नहीं गलत काम है आज सुनो गुरु कौन तुम कौन चला आप जैसा हम बोले तो वही ना होगा बात सही है तो हम बोल रहे हैं साइंस बोल के बता दो गया लेकिन दरिया के हुए गया अंदर अंदर अब लाइन को भी तो आप लोग दरिया के साला सुबह ही सुबह जगा देता है और ट्रेनिंग देता है लेकिन जितना दरिया रहे हम तुम्हें मजा यही अपलाइन देगा जिस दिन आप जीवन में अमीर बनेंगे ना आपको यही अपना याद आएगा जो आज आपको मारता है गाली दे रहा है यही अपना याद आएगा उसी से आप गला मिलेंगे रोएंगे आप सप्लाई के साथ तो आपको खराब लगता है क्या वही लोग लगते हैं ना जो जीवन में आपके लिए कुछ सोचते हैं वही लोग खराब लगते हैं उन्हें खराब लगे नहीं ना मास्टर चार घंटा मर्जी करेगा और जो नलायक तो बोलेगा बोलेगा चाहे पढ़ना है पढ़ नहीं पढ़ना मास्टर आप बोल दीजिए कि बाहर में निपट लेंगे आप जाइए बाहर फिर भी मारेगा ये बढ़िया है आपके बारे में चिंता कर रहा है अब ये तो बता दिया आनंद मैं सब बोल के बता दिया लेकिन अंदर अंदर सोचता रहा कि मेरा गुरु निकल गया ना लाए हम गलत इंसान को गुरु हम सोचे कि गुरु बढ़िया इंसान है लेकिन इस तरह गरीब आदमी का भाई दो साल बाद वो लोग उसी रास्ते से फिर लौट रहे दोनों लौट रहे आनंद बड़ा सीरियस है कोई जगह से रहता है दोनों लौट रहे थे उसी जगह से लौट रहे तो देखिए उस जगह पे ऐसा ही बड़ा सा घर बोले गुरु आनंद कुछ याद आ रहा है याद करो याद आ रहा है झोपड़ी थी वहां महल खड़ा हो गया था आनंद बोला कि महाराज गुरु जी यहाँ तो झोपड़ी था आज अब तो झोपड़ी नहीं है अब तो ये महल बन गया तो ये कैसे हुआ तो बुद्ध ने बोला उन्हीं से पूछ लो चलो उन्हीं से पूछ लेते कि कैसे हुआ लोग हैं दोनों को पहचान गया वो इंसान अरे आइए 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 बाप रे बाप आप लोग आए थे दो साल पहले तो आनंद पूछा कि बाकी वो सब छोड़िए कि कैसे हुआ बच्चे के शरीर में बढ़िया बढ़िया कपड़ा सब अमीर दिख रहे हैं बड़ा महल एकदम भाई कैसे हो तो कहा अरे क्या बताएं आप लोग इस रात आए थे उसी रात को इशाला हमारा भैंस भगा तो जान रहा था कि किसको गरिया रहा है उसको नहीं पता था आनंदे वाला है ये दोनों है कहा कि जिस रात आप लोग आए थे उस रात ना मेरे जीवन बंजर कहा कि कोई उपाय नहीं था तो हम किसी बंजर जमीन को कोड़ दिए उसको खेती के लायक उसी के बोना शुरू करके नाना फसल हुआ समझते आ गए दो साल से है इसके साथ लेकिन सोचते यही थे कि गुरु को ईमान
एक भगवान है, लेकिन अगर ये भैंस जाती नहीं तो ये खेत में मेहनत करता है, वो भैंस कंफर्ट जोन है।